भिलाई 3 पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए ट्रक के टायर को चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। भिलाई 3 पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुरेंद्र सिंह ने भिलाई 3 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ट्रांसपोर्ट नगर हदखोज में अपने ऑफिस के पीछे ट्रक को ऑफिस में खड़ा किया था। सुबह ऑफिस आकर देखा तो ट्रक के पीछे के चारों टायर गायब थे। प्रार्थी की शिकायत पर भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि घटना के दिन गुलाम नसीम नामक एक व्यक्ति टायर ले जाते हुए देखा गया है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर आरोपी ने चोरी करना कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 नग टायर और घटना में प्रयुक्त हाइड्रोलिक जैक व व्हील पाना बरामद किया है। आरोपी पर धारा 379 के तहत अपराध दर्ज कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। सुरेंद्र सिंह नामक सूचना करता है, जो कि वैशाली नगर का निवासी है और ट्रांसपोर्टर का काम करता है। उसके द्वारा आज थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 17 तारीख की रात्रि को उसके ट्रक के 4 टायर चोरी कर लिए गए हैं, जो अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया। और विवेचना के दौरान ट्रकों का काम करने वाले, पंचर सुधारने वाले, पुराने टायर खरीदने वालों से पूछताछ किया गया और पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि गुलाम नफीज नामक व्यक्ति घटना दिनांक को ट्रक का टायर संदिग्ध तौर पर लुढ़काते हुए ले जाते देखा गया है, जो उसकी पतासाजी गई और पतासाजी करने के उपरांत उसको अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, जो मेमोरेंडम में बताया कि उसने अपराध कारित किया है और एक जगह ट्रक के 4 टायर हाइड्रोलिक जैक और जैक रॉड छुपा के रखा हुआ है, जिसमें अपराधकर्मी की 100% बरामदगी सुनिश्चित की गई। आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड में भेजा गया है। बहरहाल उक्त कार्रवाई में भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल, सहायक उपनिरीक्षक राजेश पांडे, प्रधान आरक्षक राकेश सिंह, आरक्षक संदीप सिंह, कृष्ण सिंह, विनय सिंह सहित भिलाई 3 के पुलिस की सराहनीय भूमिका रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।